हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक 15,000 का कोई मोबाइल लेना चाहते हो तो आप आए हो बिल्कुल सही वीडियो पे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने आपका टाइम बचाने के लिए इस वीडियो में सिर्फ 3 ही मोबाइल्स को ऐड किया है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो विदाउट रिसर्च बनाई गई है। वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मैंने YouTube पर लगभग 30 वीडियोस देखी हैं, उसके बाद अपनी फाइनल लिस्ट तैयार करने के लिए 3 मोबाइल्स को सेलेक्ट किया है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर पे जो फोन आता है वो है पोको M2 Pro। माना कि फोन दोस्तों थोड़ा सा सस्ता है, यानी 13,000 का फोन है, लेकिन अगर आप इसका 6GB रैम वाला वेरिएंट लोगे तो ये फोन भी आपको 14,000 का पड़ जाएगा। अब दोस्तों, आपके जो 1,000 बचेंगे आप फोन खरीदने के बाद उसी पैसे से अपने फोन में 5 महीने का रिचार्ज भी करवा सकते हो, या फिर आप खरीद सकते हो अपने लिए एक वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन, वो भी एक अच्छी कंपनी का। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से वीडियो किसी और साइड बढ़ रही है, तो हम बढ़ते हैं इस फोन के फीचर्स की तरफ। ओके, तो दोस्तों पोको M2 Pro में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 720G, जो कि एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर, LPDDR4X रैम, और आपको मिलेगी एक 5000mAh की बड़ी बैटरी जो कि आती है 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और दोस्तों, जो इस फोन का 33 वॉट चार्जर है वो भी आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है। रियर साइड में आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें कि यूज किया गया है सैमसंग का GM2 सेंसर। फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक AI सेंसर। और ये फोन दोस्तों पोको M2 Pro मेरा एक दोस्त है समीर, उसके पास है और वो फोन मैंने पर्सनली यूज किया है, और इसकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो है OMG, बहुत ही अच्छा कैमरा है इस फोन का। दोस्तों, इस फोन में आपको मिलेगी 6.6 इंचेस की एक FHD+ डॉट नॉच डिस्प्ले, जो कि काफी कमाल लगती है देखने में। और दोस्तों, एक खास बात बताऊं, इस फोन के बैक में और फ्रंट में दोनों साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो इसके दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे भी होने वाले हैं। आप इस फोन को बिना बैक कवर के भी यूज कर सकते हो, और कवर से मुझे याद आया, इस फोन का बैक कवर भी आपको फोन के डब्बे में देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इस फोन की अनबॉक्सिंग भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो अपलोडेड है, आप उसको भी एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो इस वीडियो का एक एक मोमेंट आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज यार इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरी देखना। और साथ ही हमारी लिस्ट का जो अगला फोन है वो है Realme 8। दोस्तों, Realme 8 में आपको मिलती है 6.4 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि हमारी पूरी इस लिस्ट में सिर्फ एक Realme 8 ही है जिसमें हमें एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। तो डिस्प्ले के मामले में Realme 8 इज गोइंग टू बी प्रो। फोन के रियर साइड में दोस्तों हमें मिलेगा एक 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, और फ्रंट में हमें मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का AI सेल्फी कैमरा। और अगर आपको गेमिंग पसंद है तो इस फोन में आपको मिलेगा Helio G95, एक 5000mAh की बड़ी बैटरी जो कि आती है 30 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। और क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले, तो भाई गेमिंग तो बहुत तगड़ी होगी इस फोन में। दोस्तों, Realme 8 में आपको एक छोटा सा डाउनसाइड भी देखने को मिल जाता है। इस फोन के फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, और क्योंकि बैक में ग्लास बैक हमें नहीं मिलता, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन तो कोई भूल ही जाओ, आपको हर टाइम इस फोन का केस लगा के रखना पड़ेगा ताकि बैक में कोई भी स्क्रैच ना आए। दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म, अब बारी आती है द बिग बुल, वन एंड ओनली पोको X3। जी हाँ दोस्तों, पोको X3 इज द बेस्ट फोन अंडर 15,000 rupees। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ स्पेशल फीचर्स। इस फोन में दोस्तों आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में, और पोको M2 Pro की तरह है। इसमें भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। 6.6 इंच की एक FHD+ डॉट नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि आता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। तो स्क्रीन को लेके जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। गेमिंग के लिए दोस्तों आपको इसमें स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा प्रोसेसर है गेमिंग के मामले में। और अगर आप एक प्रो गेमर हो तो आपके लिए है इसमें लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी, यानी कि आप खूब गेम खेलो और आपका फोन बहुत ही कम हीट होगा। इसके साथ ही आपको मिलेंगे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही कमाल का रहेगा पोको X3 के साथ। इसके साथ ही दोस्तों आपको रियर साइड में मिलेगा 64 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरा सेटअप, और फ्रंट में आपको मिलेगा एक 16 मेगापिक्सल का AI सेंसर। पोको X3 में आपको 6000mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि आएगी 33 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, और इसका भी चार्जर आपको बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, बारी आती है मेरे ओपिनियन की। अगर आप मेरे से पूछो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप थोड़े पैसे बचाना चाहते हो तो आप पोको M2 Pro ले लो, क्योंकि आप उसमें 2000 रुपए तक बचा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन चाहिए, आप फर्स्ट टाइम एमोलेड स्क्रीन एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको Realme 8 ले लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने दोस्त समीर से पूछा कि अगर मैं तुझे कहूँ कि इसमें से आंखें मूंद कर तू कौन सा फोन लेगा, तो उसने मुझे कहा कि मैं पोको X3 लूंगा। और दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि समीर ने ऐसा क्यों बोला। और अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को 2 मिनट पीछे करो और पोको X3 के फीचर्स को दोबारा से देखो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर
करना और कमेंट में हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना।